लॉकडाउन 4.0 में प्रशासन ने बाजार को खोलने के नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत आज जम्मू शहर के कई जगहों के बाजार खुलने के बाद लोगों में खुशी देखी गई। इस बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा का ख्याल रखा गया। दुकान खुलने की छूट मिलने के बाद व्यापारियों को राहत मिली है और दुकानदारों ने प्रशासन का धन्यवाद भी किया। आज हमारी शॉप खुली है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गवर्नमेंट का, और हम जो भी काम पकड़ रहे हैं बिल्कुल हल्के से पकड़ रहे हैं, ज़्यादा हैवी काम कोई नहीं पकड़े, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेंटेनेंस करने में काम पकड़ रहे हैं, और ज़्यादा कस्टमर हम कोई अपना दुकान पे बुला भी नहीं रहे हैं, एक ही कस्टमर का जो ज़रूरी काम है उसी का काम कर रहे हैं। क्या आम लोगों को क्या मैसेज देंगे अपने थ्रू? मैसेज में मेरी तरफ से यही मैसेज है कि सारी बातें ध्यान में रखते हुए, अपना भी ध्यान रखते हुए, दूसरों का भी ध्यान रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही काम करें, उसके अलावा कुछ नहीं करें। तकरीबन दो महीने के बाद जो लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन 4.0 में आकर अब बाजार खुल गए हैं। सरकार के दिशा निर्देशानुसार बाजारों को 2 से 5 घंटे तक खोल दिया गया। मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर तरफ देखिए चहल पहल है, लोग आ जा रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं। सिर्फ सैलून, बार्बर शॉप्स और लीकर शॉप्स को छोड़कर बाकी सब दुकानों को परमिशन दे दी गई है कि वो 5 तक अपनी दुकानें खोलें और अपना काम करें, क्योंकि काफ़ी 2 महीने से बंद होने के कारण जो है लोग अपने घरों में बैठने को मजबूर थे, काम नहीं कर पा रहे थे, बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल शाम को जो सरकार का निर्देश आया उसके मुताबिक अब ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में सब दुकानें खुलेंगी और रोज़मर्रा अपने काम करते रहेंगे। फिलहाल एक थोड़ी सी परेशानी ये ज़रूर रहेगी कि इस दौरान कोरोना के जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं वो तो क्वारंटाइन किए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी बाजार निकलेंगे उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उनको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। पहले भी संभला था, लेकिन अब बाजार में चहल पहल बहुत होगी, लोग खरीदारी करने निकलेंगे और उनको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हम ऐसे लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने रखें, सैनिटाइजर यूज़ करते रहें, तभी हमारा जम्मू भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। कैमरामैन सुनील के साथ विकास, गोल मार्केट, जम्मू।